बयाना जिले में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बुधवार को भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने नायाब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर रोष जताया तथा नैतिकता के आधार पर गहलोत सरकार से इस्तीफा देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में बताया कि भरतपुर सहित प्रदेश भर में अपराध चरम सीमा पर है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। पिछले दिनों भरतपुर में सांसद रंजीता कोहली, डॉक्टर दंपत्ति हत्याकांड, रुदावल में ITI कॉलेज संचालक का गला रेतना, बयाना में नगर पालिका चेयरमैन पर हमला आदि की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में आमजन की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले में महिलाओं संबंधी अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। पुलिस का आदर्श वाक्य उल्टा हो गया। पुलिस व सत्ताधिकारी दल के नेताओं के गठजोड़ से अवैध खनन चरम पर है। ऐसा लगता है कि सरकार ने आमजन, महिलाओं व दलितों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ज्ञापन में कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर पार्टी की ओर से सड़क पर आकर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल गाना, ग्रामीण मंडल गाना, बनभाटा मंडल गाना तीनों मिलकर गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं और ये मांग करते हैं कि नैतिकता के आधार पर गहलोत जी को अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं।